फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। कैसे हैं आप लोग? तो भाई अभी दिन हमारा लग गया है संडे का और अभी तकरीबन वक्त हो रहा है कोई 6:30 का, लेकिन ये बिल्कुल भी शाम का वक्त नहीं हो रहा, ये बिल्कुल सुबह का वक्त हो रहा है, बिल्कुल मॉर्निंग का, जब बिल्कुल रोशनी होती है। मैं दिखाती हूँ, अभी बस बिल्कुल रोशनी हुई ही है और सन्नाटा, बिल्कुल फजर के बाद का मौसम। आज जो है वो हमारी मॉर्निंग इतनी जल्दी क्यों हो गई है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने लास्ट बल्कि वीडियो में अपनी कहा था कि जो है अभी हम लोग एक न्यू चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे मेरी आंखों पर मर जाएगा क्योंकि मैं नींद में सोती हूँ। तो फिलहाल हम एक न्यू चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारी इंडियन फूड सीरीज़, जिसमें हम तकरीबन कोई 4 या 5 सीरीज़ कवर करेंगे, जिसमें हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होगा और हमारी बाकी की चीज़ें होंगी लंच डिनर, लंच उसके बाद फिर इवनिंग स्नैक्स, दैन उसके बाद होगा हमारा डिनर, ठीक है। उसके बाद फिर हम कोई अच्छी सी इंडियन डिश बनाएंगे। सारी चीज़ें एक दिन में कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसकी हम सीरीज़ रख लेते हैं ताकि मैं रेसिपी भी जो है वो बिल्कुल शेयर कर दूँ सही से सबके साथ कि मैं किस तरह से बना रही हूँ, बाकी सब कुछ भी। तो फिलहाल आज था हमारा ब्रेकफास्ट, तो फिर ब्रेकफास्ट के लिए मैंने सोचा क्यों ना जहाँ 2:30 बजे ब्रेकफास्ट होता था वहाँ आज जो है वो हम करें सुबह ही सुबह ब्रेकफास्ट प्यारे से मौसम के साथ। तो मैं उठ गई इसलिए जल्दी, तो जल्दी से हम चलते हैं, सबसे पहले अपना जो है वो ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। और आज हम अपने नाश्ते में बनाने वाले हैं इंडियन फूड में हमारे जेठालाल का फेवरेट फूड जो कि है जलेबी फाफड़ा। तो आज जो है हम बना रहे हैं जलेबी फाफड़ा, तो आज जो है वो हम बना रहे हैं जलेबी फाफड़ा, ठीक है। तो जल्दी से हम चलते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से बनेगा। और आप लोगों ने क्या करना है, लास्ट तक ये व्लॉग देखना है, चैनल को फिर जल्दी से सब्सक्राइब, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। और मैं नींद में सोती हूँ तो अगर मैं कोई लफ्ज़ गलत बोलूँ तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट करिएगा यार। चलते हैं हम अपना नाश्ता बनाने के लिए। तो इसके अंदर जो है हमने बेसन के अंदर डाला है थोड़ी सी हल्दी, जीरा और जो है नमक और ये थोड़ा सा ऑयल, और इसमें एक चीज़ मिस है जो कि है राई, तो वो मुझे मिल नहीं रही थी, तो इसलिए अब जल्दी से इसको मिक्स करके जो है इसका आटा गूंथ लें। और ये हमारा आटा गूंथ गया है, अब जो है हमने करना है इसको फ्राई। जिस तरह फ्राई करना है ना वो मुझे खुद भी थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो इसलिए पहले ट्राई कर लेते हैं कि हो भी रहा है या नहीं, क्योंकि मैं खुद पहली दफ़ा बना रही हूँ। तो भाई अब जो है मैंने सोचा कि हमने इतनी सुबह ही अब हम उठे हैं, तो फिर हम एक काम करते हैं कि बाहर बैठ के करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। और मैं दिखाती हूँ कि मेरा जलेबी एंड फाफड़ा कैसा बना है। ये रहा ये इसकी शक्ल, और ये रही इसकी शक्ल। ये थोड़े से और पतले होने थे ताकि ये और क्रिस्पी होते थोड़े पापड़ की तरह, लेकिन फ़र्स्ट टाइम था और बन भी नहीं रहे थे, तो मैंने कहा चलो यही ठीक है। चलें जी, तो अब जो है वो हम बिस्मिल्लाह करते हैं। ये रहा हमारा बिस्मिल्लाह, इसके ऊपर मैंने थोड़े चाट मसाला भी डाले हैं, तो ये ठीक ठाक है। जैसे हम पापड़ खाते हैं ना वैसे ही, लेकिन ये थोड़ा सा और पतला होना था ताकि जो है ये थोड़ा और क्रिस्पी होता। मैं जलेबी खा लेती हूँ, वैसे मुझे मीठा पसंद नहीं है, लेकिन मुझे फाफड़ा भी कुछ ज़्यादा ख़ास अच्छा लग नहीं रहा। और जलेबी हमारी बाहर से आई है, सुबह इतना टाइम नहीं था कि मैं जलेबी भी बनाऊं, इसलिए मैंने पहले से ही बाहर से जलेबी मंगवा ली थी। अगर आप लोग जानते हैं ना कहीं पे अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट तो आप मुझे बताइएगा लास्ट में, फिर इंशाल्लाह हम वहाँ पे भी जाके उनका जो उनकी थाली होगी या जो भी उनका फूड होगा वो कवर करेंगे। मैं इसको करती हूँ जल्दी से ख़त्म और हम लोग जो है अभी ब्रेक लेते हैं सोने का, क्योंकि इतनी सुबह उठ गई, नाश्ता कर लिया लेकिन जाग नहीं सकती। और तो फिलहाल जो है फिर हम वो दोपहर में उठ के
अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो भाई मेरी गुड मॉर्निंग हो गई थी, मतलब मैं तकरीबन उठ गई थी 3 बजे तक, लेकिन जो है बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी व्लॉग बनाने की, थे सारे काम थे। तो जो है फ़िलहाल अब ये सीन है कि अब जो है हम लोग जा रहे हैं बाहर पार्क, क्योंकि आंटी के घर पर मेहमान आए हैं, नीस आंटी के घर पर। तो अब जो है हम लोग सब लोग जा रहे हैं पार्क 4 नंबर के बच्चों को लेकर, बस ऐसी थोड़ी सी आउटिंग के लिए। तो जल्दी से हम रेडी हो जाते हैं, और ये पीछे नमाज़ पढ़ दिया दानिया जब तक के। अपने से भारी आपने बैट उठाया भाई, पार्क जाएंगे जाके खेलेंगे आप, मज़े मज़े। आपकी अम्मा कहाँ हैं? उधर खड़ी हुई है। दो दो बैट क्यों लेके जा रहे हो? वाह भाई वाह, मजे। एंड हियर इज द टिकट्स। भाई पहले आने के लिए ना पार्क में ऐसे आ जाते थे, अब तो टिकट लेना पड़ता है, भले 30 रुपए का हो लेकिन लेना पड़ता है। एक समोसा आ जाएगा 30 रुपए में। तो ये ले भाई, 5 लोग हैं ठीक है, एक और टिकट उनके पास है। और पार्क में बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है अभी, मतलब बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है। वहाँ पे बैठी हुई है फैमिली, मतलब वो लोग हैं हमारे रिश्तेदार हैं। भाई 30 रुपए ले लिए हमसे, और यहाँ पर जो है 30 रुपए वाली कोई चीज़ नहीं है, मतलब फ्री वाला पार्क भी हो तो चलता है, फिर भी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, यहाँ कुछ है ही नहीं, फिर भी 30 रुपए ले लिए, पता नहीं क्यों बिला वजह। और ये हमारे घर की बहनें कहकर आई थी कि हम खेलेंगे, और ये लोग ऐसे सन्नाटे में बैठी हुई हैं, और वहाँ पर जो है बाकी सारे बच्चे खेल रहे हैं। कौन कौन है ये? अहमद और अबू बकर वगैरह सब। वाहिद ऐसा पार्क है जहाँ पे घास भी नहीं है। और अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे समोसा लेने के लिए, और वहाँ पे कुत्ता दिख गया शायद, मुझे डर लग रहा है भाई, काट वाट ना ले कहीं। हाँ ओए होए ओए होए। हम लेकर आ गए चिप्स और ये 32 समोसे। हमने कहा टिकट के पैसे तो ज़ाया हो गए हमारे, चलो कुछ खा पी के कर लें पैसे। एंड हेयर इज समोसे। पार्क में आके सिर्फ एक चीज़ अच्छी हुई है कि समोसे बहुत मज़े के हैं, बस और इसके अलावा खाइए आप भी खाइए। सबकी नाक के अंदर दम करके रखा हुआ है ना, इधर दिखाइए आप खाना देखो भाई मुझे। हाँ सबसे शरारती बच्चा ये है। नई चीज़ का इजाफा हुआ है इस कार का, यार ये इस कार में हम बैठ तो सकते नहीं है, किसकी कार है ये? और इसलिए इंशाल्लाह बैठेगी, मैं यहाँ मैं बैठूंगी। किसकी कार है लेकिन ये सवाल है, अच्छा ही है वैसे कार ना, इसमें मैं बैठ सकती हूँ, कोई मैं इतनी बड़ी भी नहीं हूँ। ये रहे झूलों के टिकट जिसमें ये लोग बैठ रहे हैं, इसमें बैठोगे आप? इसमें बैठ रहे हो पक्का? सही है बस, किसमें? उसमें बैठोगी, जाओ जाके बैठ जाओ, जिसको जिसमें बैठना है। ये पहले से ही बैठ गया, आपने इसमें ही बैठना है पक्का, उसमें नहीं बैठ रहे आप? बस सही है, तेज झूलता डरोगे तो नहीं? बच्चों ने यहाँ पे ये झूला पहले से ही, इन्होंने बोला कि हमें चला के दिखा दें आप, ताकि पता चल जाए कितना तेज झूलता है। क्या क्या क्या? पैसे जाया करवा दिए 40 रुपए का झूला, क्यों क्या हुआ? उतार दिया दानिया को, उतार दिया, उतार दिया। और फाइनली अब ये लोग झूले में बैठ गए। ओके गुड, वेरी गुड, हाय हाय हेलो। भाई दानिया का है, दानिया भाई अभी फ़िलहाल जो है हम तकरीबन 8 बजे से थोड़ी सी देर पहले जो है वो पार्क से आ गए हैं, और जो है अब अच्छे ज़्यादा और ज़्यादा थकान हो गई है मुझे तो, क्योंकि पार्क में भले हमने झूले नहीं झूले लेकिन फिर भी थकान हो गई पता नहीं क्यों। तो इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग होता है एंड, आई होप यू लाइक इट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दिएगा। और जो है आज हमारा वो ब्रेकफास्ट था, तो अब ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी जब तक हमारा डिनर नहीं हो जाता। हाँ तो जो है अब जो है वो हमारा जो अपकमिंग व्लॉग होगा उसमें हम करेंगे लंच, तो लंच में भी हम कुछ ना कुछ इंडियन ही रखेंगे, और मैं कोशिश करूँगी कि 1 से 2 डिशेस होनी चाहिए, मतलब 2 से 3 या 2 ऐसी कोई डिशेस होनी चाहिए इंडियन फूड की, जिसमें मैं आप लोगों के साथ अपनी पूरी जो है वो रेसिपी भी शेयर करूँगी ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, बेल आइकन प्रेस कर देगा, ताकि आप लोगों के पास अपडेट आते रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।